पुण्यात्मा इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके अंदर दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपए दान करता है उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ दो के स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग एक पात्र बनाऊं और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हार्ड चाम का बना हुआ पुतला जो प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी ये नहीं चल सकेगा, कोट यतन करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी है जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहां इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दूं। पहले परमात्मा ने आपको दम दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। यो तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तब मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साईया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कह वो आप बगल हो जाओ। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, आपको पहले धन देते हैं फिर आपकी आत्मा प्रेरणा करते हैं और दान भी वही करा पाते हैं। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा होना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इसमें भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना, नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ निरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय रहूं समोई, 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है सो फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजे जीवन जन सफल कर दीजे। अब 10वां अंश गुरु को दीजे, परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे। आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं इनमें से 1-2 को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10वां अंश आप दान कर पा रहे होंगे, फिर भी कर रहे हो ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है मिनिमम, फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है, यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सके तो कहना ही क्या है। और फिर देखना परमात्मा कहते हैं, धर्म तो धसके नहीं ये धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही कीजे आत्म पोख, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए दन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं, कहते हैं आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में तो चिड़िया ने चोंच भर लियो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता, कहते दान धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे जप नाम।
आपने संसार में रहना है और काल के जाल से पार होना है, काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे, फिर दान करें। तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए।